तो जय श्री राम साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस एनसीसी कंस्ट्रक्शन चैनल के अंदर। तो बात करते हैं अपने प्लिंथ बीम क्या होती है। जब घर की नींव डाली जाती है उसके बाद प्लिंथ बीम डाली जाती है। प्लिंथ बीम का काम पूरे घर के वजन को किसी एक कॉलम पे न पड़कर सभी कॉलम में एक बराबर पड़ता है और कॉलम के भार को समान तरीके से जमीन पे फैला देता है, इससे कि नींव कमजोर नहीं पड़ती है और पूरी बिल्डिंग सुरक्षित यानी कि सेफ हो जाती है। इतने जरूरी काम के अलावा भी और भी छोटे छोटे कामों के लिए प्लिंथ बीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पानी से भी दीवारों की सुरक्षा करती है और घर को जमीन से ऊपर उठाने में भी मदद करती है, क्योंकि नींव और दीवारों के बीच में प्लेस होती है। तो अब अपन बात करते हैं प्लिंथ बीम कहाँ डाली जाती है। प्लिंथ बीम को नींव और दीवारों के बीच में बनाया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से इसको बनाया जाता है। आपको घर बनाने का तरीका चाहे जो भी हो, प्लिंथ बीम का इस्तेमाल हर तरीके में अपन कर सकते हैं, चाहे वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर हो चाहे वो फ्रेम बेयरिंग स्ट्रक्चर हो। प्लिंथ बीम एक बहुत ही मजबूत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको बनाया जाता है। इसके कुछ फायदे होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। जमीन में होने वाले सॉइल सेटलमेंट होने पर भी घर को नुकसान पहुंचने से रोका जाए। अगर नींव के दरार आ भी जाए तो उसे उस दरार को घर की नींव तक पहुंचने से रोकता है। बीम और कॉलम पे पड़ने वाले भारी वजन को ये इक्वली कॉलम्स और जमीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बहुत ही आसानी से। तो साथियों बात करते हैं अपन कुछ प्लिंथ बीम के बेनिफिट्स के बारे में। तो प्लिंथ बीम क्या होती है सबसे मेन, तो जैसे कि प्लिंथ बीम के डालने के बाद सीलन नहीं आती, ये बहुत